तिहाड़ जेल में बंद जामिया मिलिया इस्लामिया की 27 वर्षीय छात्रा सफूरा जरगर को लेकर सामने आया मामला किसी भी तरह से थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे कार्चू का बयान भी सामने आया है, जो अक्सर ही अपने बेबाक बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहते हैं। अब इस मामले पर मार्कंडे कार्चू का ट्वीट सामने आया है। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि सफूरा जरगर का मामला देश में संस्थानों और लोकतंत्र के पूर्णतः पतन का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि बेगुनाहों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए पुलिस ने पहले भी झूठे सबूतों का प्रयोग किया है, लेकिन इस बार ये बड़े स्तर पर किया गया है। दिल्ली पुलिस भी बाकी राज्यों की पुलिस की तरह पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है, लेकिन न्यायपालिका, जिसे संविधान और लोगों के अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, वो कुछ बेहतर कर पा रही है। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले ये जानकारी सामने आई थी कि तिहाड़ जेल में बंद सफूरा जरगर प्रेग्नेंट है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सफूरा को अपने निशाने पर ले लिया था। अब इस पर दिल्ली महिला आयोग की ओर से भी सख्त कदम उठाया गया है। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।